जयराम जी भैया, मुरु जो साहब है ने, जो साहब मुरु बीजा सवाल करा थे, बीजा परेशान करा थे, अभी थोड़ी देर में भी आ है। तो आज मैं देखा तो कि आज की खबर लिए था, आज देखा तो का हाल करा था, एक बीजा सवाल करा था मुझसे, बीजा कई कछु पूछा थे। तो आज देखा था मैं कि पूरी पढ़ाई लिखाई सब निकाल दो साहब, प्रकट हो साहब। क्या क्या हुआ रामलाल, तुम इतने इमरजेंसी में मेरे को यहाँ पे बुलाए हो? अरे साहब, मोह कछु जरूरी बात पूछने रहे, वही से आप प्रकट करवाए हो। मोह का मालूम रहे तो बीजा बीजी है। मोह जा जानने हैं साहब, क्या कि ते जाना थे काहो काहो मिट्टी में काहो काहो मिलो रहे थे? ये तो बताना भी बहुत मुश्किल है, ये तो अभी मुश्किल है कि बता पाऊँ मैं कि सॉइल में क्या क्या तुम्हारे चीज़ें मिला हुआ है, कितनी मात्रा में लिखूँ। बीजा आसान है, मैं तो घर ही में पता कर सका, बता सका। अब भी बता दो हमें निकाल के कहो कहो में मिट्टी है और कहो कहो मिलो है कि मात्रा के, तब भी तुरंत बता सका था। अच्छा एक बात है, मैं बता दो हूँ तो मानने पढ़े, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हमारे अनुभव क्या है कछू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, एक बात ऐसा एक छोटा डब्बा ले लेना घर में प्लास्टिक को, जैमें उसको आर पार दिख जाए, डब्बा खा लाए और ऐसे धर दे, डब्बा की खोल लेना ढक्कन, तो जो मिट्टी की तुम्हें पता करना है कि इमें कहो कहो मिलू है, मतलब कौन काहे काहे की कितनी कितनी मात्रा है जा जानना है, तो वह मिट्टी से तुम ले लेने, हम जब मिट्टी ले लें, जब मिट्टी लेने के बाद यह तुम मिट्टी के पूरो या डब्बा के अंदर भर देना। ठीक साहब, ऐसे तो करा ही लो ने, ऐमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं लगे, ऐमें तो सिर्फ हाथ लगा थे और मिट्टी जैसे जब भर दे। अब जब मिट्टी भर दे ऐमें तो हम कछु नहीं करें, कोई इंजीनियरिंग नहीं है, अब का कर हैं जय आप पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी, पानी के जब मिला दें हम इतना चलो ये पानी मिलगा हमारा, अब का करना है। जा निर्मा को पैकेट देखे हो साहब, जब हम निर्मा कहे थे गाँव के आदमी, हम निर्मा कहे थे, बाकी शहर में कहना कपड़ा धोन वालों पाऊ कर लो तो कहूँ कछु तो कहूँ कछु, हम है निर्मा कह रहे हैं। तो एमें का करना है एक चम्मच, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, कपड़ा नहीं धो रहे हैं अपन, एक चम्मच थोड़ी ज़्यादा ही रखो अंदर रख दूँ तो ऐसो तो एक चम्मच एमें मिला दे, बस इतना ही सो काम है। हमें लगा दो एक ढक्कन, जय को ढक्कन लगा दे, ये अच्छे से ढक्कन पूरा बंद होगा तो थोड़ी है अपन के हैं ऐसे थोड़ी घोल, ताकि जो मिट्टी जितना भी है ना तो जो मिक्स हो जाए, निर्मा भी तुम्हारा मिक्स हो जाए, पूरी मिट्टी घोल जाए है ना, तो अपन के ऐसे एक दो बार है ऐसे हिला के और यह अपन के ऐसे रख देना है चौपाई। अब कितना देर के लिए रखना है? 24 घंटा। तो तुम लोग जो देख रहे हो कि हमें इतने से लेके इतने तक में तो मिट्टी भरी है और इतने से लेके इतने तक में पानी भरो है, हमें मैं निशान लगा दें हूँ, एक लेयर में जा निशान लगा दें, एक लेयर में जा निशान लगा दें और एक लेयर में जा, अब मैं है नाप ले रहा हूँ, तो नाप लेने के लिए मैं स्केल का उपयोग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कुल मिट्टी की जो गहराई है वह कितनी है, वह अपनों निकल रहा है 2.9 सेंटीमीटर जा है कुल गहराई, कुल मिट्टी 2.9 सेंटीमीटर की कुल मिट्टी है। अब अपन के देख रहे हैं कि नीचे से लेके जब पहले वालों जो लेयर दिख रही है, पहली परत जो है वह वाली परत है सबसे नीचे की, और है जो कहते हैं सैंडी वाली परत, मतलब रेता वालों, जैसे रेता के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रेता मतलब रेता को हमें ज़्यादा मिलावट है, रेता ज़्यादा है, तो यह मैं नाप ले रहा हूँ। तो जा नापन के बाद जा आ रहा है अपनों 1 सेंटीमीटर, तो नीचे की जो परत है, नीचे की परत जा है 1 सेंटीमीटर, अब हम बीच वाली परत के नाप ले रहे हैं वह कितना है, जा निकल रहा है बीच की जो परत है वह निकल रहा है 0.8, बीच की परत जा है 0.8, और जो बीच की परत है जा है सिल्ट,
बीच की जो परत है, जो बीच की परत है जहाँ है सिल्ट है ना, और वह निकल रहा हो 0.8। अब सबसे ऊपर वाली परत की मोटाई नाप लें अपन, तो ज़रूरत नहीं है मोटाई नापन की, काहे कि टोटल अपनों जो कुल मिट्टी जो है वह 2.9 है और एक परत 1 सेंटीमीटर की है, दूसरे 0.8 की है, तो ये तीसरी जो बच रही है मैं बहुत साफ नहीं देख रहा हुआ, काहे कि जो डब्बा थोड़ी वैसे हो कांच को रहते हो तो बहुत अच्छा रहते, तो जय की मोटाई हो रही है 1.1 सेंटीमीटर है ना। सबसे ऊपर की जो परत है इसकी मोटाई हो रही है 1.1 सेंटीमीटर। तो अब अपन जा अपने पास कुल मिट्टी है जे तीन अलग अलग परत के अपने पास मात्रा आ गई कितनी मोटाई की है, अब को अपन प्रतिशत निकाल लें। तो सबसे नीचे वाले जो परत है उसको प्रतिशत अपन देखें, तो अपन का कर है कि सबसे नीचे वाली परत 1 सेंटीमीटर बटे अपन 2.9 को भाग दे रहे हैं, तो प्रतिशत अपन निकल जा है कि 34% निकल जा है। बीच वाली ऐसी परत में क्या करें, 0.8 में 2.9 × 100 कर दे हैं तो बीच वाली परत निकल जा है, तो बीच वाली परत अपनी जो निकल रही है वह निकल रही है 27.6 या अपन है कह सकते हैं 28%। ऐसे सबसे ऊपर वाली जो परत है, ऊपर की जो परत है एको अगर हम प्रतिशत देखें तो वह हमारे निकल रहा है 1.1 भागित कर रहे हैं 2.9 × 100 तो बराबर हो जाए 37.9 या हम कह सकते हैं 38%। तो ये तीनों हमारे प्रतिशत निकल गए कि सबसे नीचे का, बीच को और सबसे ऊपर को। सबसे नीचे वालों है सैंड वालों, रेता वालों, बीच वालों सिल्ट वालों है जैमें थोड़ी ज़्यादा बड़े पार्टिकल हैं, और सबसे ऊपर वालों क्ले, क्ले मतलब काली मिट्टी वालों। अब ये तीनों प्रतिशत निकल गए तो हमारे पास जो मिट्टी को टेक्सचर निकालने को जो ट्रायंगल है मतलब त्रिभुज है, वह त्रिभुज में हम तीनों तरफ इनके निशान लगा दें, और तीनों तरफ निशान लगाने के बाद जब तीनों निशान के हम लोग आपस में मिला हैं तो बीच में ये तीनों निशान एक जगह मिल हैं, तो जो जगह में मिल हैं वही अपनी मिट्टी आए, तो जब मिट्टी जहाँ पे मिल रही है अपन को पता चल जाए कि वह कौन सी मिट्टी है, अपनी जो जवाली मिट्टी वह कौन सी है। जब तरीका है आपको पता करण को, और हम उत्साह आपका हो पढ़ो लिखो है का जाने का हो सीख के आओ है, एक तो सो काम नहीं बने तो ऐसा कर ले करे साहब, भेजा आसान है। तो भैया आप लोगों के जब वीडियो अच्छा लगो है तो ही शेयर कर रहे और लोगों तक बता देने ताकि उन्हें भी पता चल जाए, तुम्हारी भर जान हो का दूसरे खाने बताओ तो सब्सक्राइब कर लेने, लाइक कर लेने और लोगों तक शेयर कर देने, अच्छा लगे तो जय राम।